तो हे गाइस, आज अपनी खोल न्यू वीडियो के साथ और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयरन मैन का नया वर्जन वाला मोड। भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी है इस वाला, लेकिन इसमें यार एक ख़राबी है कि इसमें यार आयरन मैन उड़ नहीं सकते। लेकिन भाई अभी रुको, पहले आप देखना, खुद देखना और फिर उसके बाद बताना कैसा है डॉन। तो यहाँ पर भाई देखो, मेरे पास यहाँ पर कितने सारे आयरन मैन के सूट रखे हुए हैं। भाई इतने सारे आयरन मैन के सूट है, आधे तो मुझे खुद याद नहीं भाई ये कौन कौन से आयरन मैन है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला डॉन आया इसमें, जिसमें आपकी बार स्क्रीन पर ये जो टैचू है, टैचू बोलो, कार्टून जैसी एनिमेशन जैसी कुछ चीज़ दिखती है, बस ये चीज़ होती है भाई, इससे और कुछ नहीं होता। उड़ नहीं सकते हाँ, लेकिन आपको फॉलिंग डैमेज नहीं मिलता। देखिए देखो, मैं कितनी आराम से यहाँ पर नीचे उतरा हूँ, मतलब फॉलिंग डैमेज आपको और होने का नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो इतने सारे आयरन मैन के सूट है, देखो मैं एक ट्राई करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये है अपना रियल आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क, तो ये उनका सूट है भाई। ये देखो, ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करता है, इसके इसमें भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है भाई, ये देखो। तो यहाँ पर यार ये भी उड़ नहीं सकता, मैंने ट्राई कर लिया उड़ाने का, पता नहीं यार उड़ता भी है नहीं, मुझे नहीं पता यार मेरे पे। अरे रुको भाई, कुछ हुआ अभी रुको यार एक मिनट यार, कुछ हुआ। अरे अच्छा, मतलब इसका सूट है ना, ये जो चेहरे का वो मास्क है वो ऊपर को हो जाता है जैसे हम तैरते हैं। लेकिन यार ये उड़ क्यों नहीं रहा, पता नहीं भाई, उड़ता होगा पर मुझे नहीं पता कैसे उड़ता है। मैंने भाई कई बार टैप कर लिया, भाई नहीं उड़ रहा। क्रिएटर का लिंक चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जगह चेकआउट कर लेना है। बैक पैक क्या अच्छा है तो वो ऐसे ही दे रखा है। तो यहाँ पर और क्या है भाई, रुको यार एक और चीज़ मिली है, कांट मूव आइटम, मतलब पढ़ा भी नहीं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर भाई ये देखो, ये भी भाई पता नहीं क्या वर्क करता है इससे, मैंने इसका भी ट्राई किया है, कुछ नहीं होता इनसे। यहाँ पर क्या है MK2, ये वाला कैसा है, इसके साथ भी मुझे ये चीज़ मिली है, पर होता क्या है इससे भाई, मुझे ये तो बताओ तुम लोग। मैंने यहाँ पर भाई बहुत सारे आयरन मैन इससे यार पता नहीं वो मिलता है, स्लो मोशन मिलता है इससे, तो यार स्लो मोशन का हम क्या करेंगे। एंड यहाँ पर भाई ये सारे सूट तो हमने ट्राई कर लिए हैं। और ये क्या है, कांट मूव आइटम, कांट में मूव, भाई पता है, चलो दिमाग मत खराब कर यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये देखो भाई, ये भी उड़ सकता होगा पर मुझको नहीं पता कैसे उड़ता होगा। नीचे क्रिएटर का लिंक है, जाओ जाकर चेकआउट मार लो। एंड चलेगा जब मैं बताता हूँ कि आपको उसको कैसे लेना है। तो रुको यार, ये आखिरी वाला रह गया, ये कैसे, अच्छा ये हल्ट है, टोनी स्टार का हल्ट, याद होगा तुम लोगों को, उनके छाती के बिल्कुल बीचों बीच लगा रहता था। लेकिन ये छाती में क्यों लगा, सिर पे क्यों लगवा दिया उन्होंने, हेलमेट वाली जगह पर दिया है। एंड यहाँ पर रुको यार मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पर ही देखो सभी के सभी आपको जितने भी मैंने लिए सभी के सभी मिल जाएंगे। तो इनका क्राफ्टिंग रेसिपी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप इसको क्रिएटिव से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ये देखो स्पाइडर मैन का भी है, तो मैंने ट्राई नहीं, स्पाइडर मैन उड़ता है पर मेरे को नहीं पता स्पाइडर मैन पक्का उड़ता है। तो चलेगा इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। चले मोबाइल मोबाइल पे नहीं जाता भाई, अब मैं डायरेक्ट आपको माइनक्राफ्ट में बताता हूँ जाके कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे आपको उसको ऑन करना है। तो गाइज, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट माइनक्राफ्ट में ओपन हो जाओगे, ठीक है। दो लिंक मिलेंगे, दोनों को आपको माइनक्राफ्ट में ओपन करना होगा। एंड देन आपको प्ले के बटन पर क्लिक करना होगा, प्ले के बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर नहीं, जहाँ पर फिर आपको क्या करना है, अपना कोई भी न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना चाहे तो आप इसको अपने ओल्ड वर्ल्ड में भी एक्टिवेट कर सकते हो। देन आपको रिसोर्स पैक्स में जाना है, मैप पैक्स में जाना है, इसको एक्टिवेट कर देना है। बे पैक्स में भी सेम आपको ऐसे करना है। एंड देन फिर आपको क्या करना है, इसको सर्वाइवल को क्रिएटिव में कर देना है। एंड फिर एक्सपेरिमेंटल को आपको ऑन कर देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आप ना क्रिएट वर्ड करके इस एडोन को आप खेल सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और अकेले अकेले भी खेल सकते हैं आपकी मर्जी। तो गाइस चलिए, आई होप वीडियो पसंद आएगी यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।